फ्रेंड्स, दीज फाइव मिस्टेक्स कैन किल योर इंश्योरेंस बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ गलतियाँ जो आपको बीइंग एन इंश्योरेंस एडवाइज़र कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो आपकी इंश्योरेंस एजेंसी तो टर्मिनेट होगी ही, ओके, आपका पूरा का पूरा इंश्योरेंस का बिजनेस चौपट हो सकता है। नंबर वन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने कस्टमर के साथ में कहीं ना कहीं गैप बना रहे हैं। आपने उसको पॉलिसी बेची, पॉलिसी बेचने के बाद आपका जो फोकस है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका है, नए बिजनेस की तरफ। आप सर्विसिंग भूल चुके हैं, आप अपने कस्टमर के साथ में उठना बैठना बहुत आपने कम कर दिया या फिर ना के बराबर कर दिया या कर ही नहीं रहे हैं, उसको भूल ही गए हैं, डायरी में कहीं पड़ा हुआ है इसका नाम। बस आप रिन्यूअल कमीशन लेते जा रहे हो, प्रीमियम भरता जा रहा है। डोंट एवर मेक दिस मिस्टेक। स्टे इन टच विद योर कस्टमर, डू रिव्यू देयर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, डू रिव्यू देयर अपकमिंग फैमिली नीड्स एंड ऑल, ताकि टाइम टू टाइम आपको पता रहे, उनसे कम्युनिकेट करने के हेल्प से उनको और ज़्यादा कस्टमाइज सॉल्यूशंस आप दे पाएं। नंबर टू, दूसरा सबसे बड़ी जो मिस्टेक इंश्योरेंस एडवाइजर्स करते हैं, कई बार टारगेट्स को पूरा करने के चक्कर में, कई बार कमीशन के लालच में, तो कई बार किसी और एक्स वाई जी रीजन की वजह से, वो है इग्नोरिंग कंप्लाइंसेस। रेगुलेटर IRDAI की वेबसाइट के मुताबिक अगर मैं देखूं तो कई सारे इंश्योरेंस एजेंट्स आज की डेट में भी मिस सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, यानी कि कस्टमर की प्रॉपर नीड एनालिसिस किए बिना ही उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज चिपकाई जा रही है। आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट आइडिया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, देर आर लॉट्स ऑफ रीज़न मे बी, बट ये चीज़ इंश्योरेंस एडवाइज़र के फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। अगर कस्टमर को पता चला कि यू हैव मेड अ मिस सेलिंग, अब उसकी नीड कुछ और थी और आपने अपने कमीशन के लालच में उसको कुछ ऐसी चीज़ चिपका दी जो उसके लिए सही भी नहीं थी, और कल उसको कोई एक एजुकेटेड और एक वेल एजुकेटेड फाइनेंशियल प्लानर उसको इस चीज़ का रियलाइजेशन करा देता है, देन योर each and every relationship with that particular customer is going for a toss. Third mistake, improper documentation. देखिए, कई बार कोई insurance agent policy कराने के इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में होते हैं कि proper documentation तक नहीं करते, green channel में policy pass भी हो जाती है friends. तो होता ये है, जब policy pass हो जाती है, मान लो medical certificate जमा ही नहीं कराया, policy pass कर दी, और सबसे बड़ा तो आपको आपके customer के documentation नहीं होंगे। बार बार आपको अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो आप बार बार उससे KYC details के लिए document मांगेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री आपने अगर अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं करी है तो आपको बार बार उनसे पूछना पड़ेगा, जिससे हो सकता है आपका क्लाइंट जो है इरिटेट हो जाए और उसको लगे कि यार ये कैसा एजेंट है, इसको मेरे बारे में पता नहीं है, 5 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है। सो ऑलवेज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर कस्टमर। फोर्थ मिस्टेक, ओवर प्रोमिसिंग। ओवर प्रोमिसिंग का मतलब है कि जो हमारे पास है वो तो बता देते हैं और जो नहीं है वो भी बता देते हैं। तो होता यह है, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत हाई लेवल पर हो जाती है और वो पॉलिसी लेने के लिए तैयार हो जाता है और हमारी पॉलिसी बिक जाती है, हमें अवार्ड मिल जाते हैं, हम MDRT COT TOT हो जाते हैं, नो डाउट फ्रेंड्स। लेकिन ओवर प्रोमिसिंग करने के चक्कर में कई बार क्लाइंट का रिलेशन हमारे से बहुत ख़राब हो सकता है। फिफ्थ मिस्टेक, इग्नोरिंग कंटिन्यूस एजुकेशन। देखिए, ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, नए नए रेगुलेशंस लेके आ रही है हमारे रेगुलेटर IRDAI, नए नए चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, इंश्योरटेक कंपनीज मार्केट में आ रही हैं। आपको अगर पता होगा तो नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको 5 ऐसी इंश्योरटेक कंपनीज के बारे में पता है जो मार्केट में आज के डेट में रन कर रही है और इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रही हैं और एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर पॉलिसी बेच रही है और लैक्स ऑफ पॉलिसीज इन अ ईयर सेल कर रहे हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ऐसे कई सारे अपडेट्स को लेकर के इंश्योरेंस की ट्रेनिंग्स अगर आप नहीं लेते, कई सारे अच्छे ट्रेनर्स हमारे देश में उपलब्ध हैं, बहुत सारे डेडिकेटेड ट्रेनर्स हैं, कई सारे जो टॉप परफॉर्मर LIC एजेंट हैं वो अपने YouTube वीडियोस के माध्यम से आप तक नॉलेज शेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनकी वीडियोस देखते हैं, क्या उनको आप कमेंट करते हैं, क्या उनसे आप सवाल जवाब करते हैं, क्या उनके वीडियोस से आप अपडेटेड रहते हैं। छठी सबसे बड़ी गलती इंश्योरेंस एडवाइज़र आज के डेट में ये कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। आनंदा पोर्टल आया, बट LIC का कहना है कि उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जो रिस्पॉन्स की वो एक्सपेक्टेशन अपने LIC एजेंट से कर रही थी। न सिर्फ LIC बल्कि बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, बट लॉट्स ऑफ बिजनेस इज स्टिल कमिंग थ्रू द ऑफलाइन चैनल्स इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन। ये एक चीज़ है। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर इंश्योरेंस एडवाइज़र को डी भी नहीं आ रहा आज के डेट में। उनको यूट्यूब चैनल उनका नहीं है, उनका फेसबुक पेज नहीं है, उनका व्हाट्सएप चैनल नहीं है, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है, उनका इंस्टाग्राम पेज नहीं है फ्रेंड्स। इसके अलावा उनकी कोई वेबसाइट नहीं है, उनका कोई ई अकाउंट नहीं है, उनका कोई गूगल में प्रेजेंस नहीं है, उनके गूगल में कस्टमर के रिव्यूज़ नहीं है, उनकी वेबसाइट नहीं है,
उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पर कस्टमर गूगल में उनके बारे में जान सके, उसकी ऑथेंटिसिटी को पहचान सके, उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी रेटिंग को देख सके फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एक छोटी सी वेबसाइट बनाएं जो फ्री में हो सकती है। मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैनल पर फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं आप, और एक घंटे के अंदर में अपनी वेबसाइट बना के पब्लिश करके अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं बहुत बढ़िया लेवल के। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें बना पाएंगे, एक भी रुपये खर्च नहीं होगा आपका। यूट्यूब चैनल बनाना सिखाऊंगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। बहुत जल्दी मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा जिसमें ए टू जेड डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आपको अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ऑनलाइन लेके आने में हेल्प मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ मिस्टेक जो कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर कर रहा है आज के डेट में और उसका इंश्योरेंस बिजनेस आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है कमीशन ऑफर करना, रिबेट ऑफर करना। अपने बिजनेस के लिए जो इंश्योरेंस एजेंट कस्टमर को रिबेट दे करके बिजनेस कर रहा है आज के डेट में, वो आज तो पॉलिसी कर लेगा, वो बहुत बड़े नुकसान कर रहा है। एक तो वो एक छोटे इंश्योरेंस एडवाइज़र को मार्केट में उठने ही नहीं दे रहा है। एक छोटा इंश्योरेंस एडवाइज़र है जिस बेचारे के पास देने के लिए पैसे नहीं है और कस्टमर मुंह फाड़ रहा है उसके सामने कि कितना कमीशन देगा मुझे पॉलिसी देने का। ये गलती कर रखी है बड़े एडवाइज़र्स ने, जो बड़े एडवाइज़र लालची हैं, अपने कमीशन के लिए कस्टमर को खरीद डालते हैं, 100% कमीशन दे करके पॉलिसी लेने तक आ जाते हैं, लेकिन उस कंडीशन में छोटा एडवाइज़र बेचारा हाथ धो बैठता है उस बिज़नेस से। ये मेरे साथ भी हुआ है फ्रेंड्स, और कई सारे बड़े एडवाइज़र्स ने उसको इतना ज़्यादा कमीशन ऑफर किया था कि आई वॉज़ नॉट एबल टू यू नो अंडरस्टैंड कि why they are doing such type of mistakes। एक बिजनेस के लालच में आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं जो आपको खुद भी नहीं पता, और कल को आप खुद भी उस गड्ढे में गिरने वाले हैं। तो इसके लिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सीनियर एडवाइजर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द इंश्योरेंस एडवाइजर्स, देखिए ये इलीगल तो है ही है, इसके साथ साथ में आपका मॉरल वैल्यू भी डाउन करता है ये रिबेट वाली चीज़। देखिए पंजाब सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी अपने किसी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कस्टमर को पहले दीजिए और बिना किसी लालच के दीजिए, वो घूस नहीं कहलाती, वो रिबेट नहीं कहलाती है। अगर कस्टमर को आप पॉलिसी के एवज में कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं, आप पॉलिसी के एवज में कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अ घूस, जिसके बलबूते आपका न तो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ में अच्छा बनेगा, वो सिर्फ लेने और देने वाला रिलेशन बनेगा कि इतने परसेंट कमीशन ये पॉलिसी, मैं दो कस्टमर लेके आ रहा हूँ मुझे इसमें से क्या देगा, पॉलिसी दूंगा। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है ये बहुत दिन चलने वाला है नहीं। सो दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट इंश्योरेंस एडवाइजर्स आर डूइंग इन इंडिया स्पेसिफिकली विच कैन किल देयर बिजनेस। सो आई होप आई वाज एबल टू कवर बेसिक और मेजर यू नो इश्यूज विद द इंश्योरेंस एजेंट्स इन इंडिया हु आर डूइंग मिस्टेक्स इन द मार्केट, जो कि उनकी इंश्योरेंस एजेंसी के लिए अच्छा नहीं है। सो अगर मैं कोई चीज़ मिस कर चुका हूँ, मैं खुद भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मार्केट में, तो अगर मैं कोई चीज़ मिस कर चुका हूँ, मुझे और कुछ इसमें ऐड ऑन या रिमूव करना था, सो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं और इम्प्रूव करके अपने कॉन्टेंट को अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट अपने एडवाइज़र भाई बहनों के लिए लेकर के आऊँ, आपके सपोर्ट से लेकर के आऊँ। सिर्फ मैं अपने लेवल तक की बात नहीं कर रहा, अगर आप अपने माध्यम से चाहते हैं कि मैं आपकी बात एजेंट्स तक पहुँचाऊँ तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में, आप ज़रूर आएँ, हम जूम कॉल पर मीटिंग कर सकते हैं और आपकी बात हम एडवाइजर्स तक पहुंचा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिलता हूँ कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग से वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।